चलो स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था? जॉन मार्शल ने स्टार्ट किया था, और ये पीरियड कौन सा था? 2500 लेकर 1720 तक के पीरियड को इन्होंने बोला था, ठीक है। जॉन मार्शल ने सबसे पहले इसको यूज किया था, ठीक है। जब कलेक्शन इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सटेंड फ्रॉम सुटका गोंदोर इन बलूचिस्तान इन द वेस्ट टू आलमगीर वेस्ट टू यूटा इन द ईस्ट एंड फ्रॉम मंडू इन द नॉर्थ टू डैमाबाद अहमदाबाद महाराष्ट्र इन द साउथ। मतलब क्या है कि पश्चिम में बलूचिस्तान के सुटका गोंदोर तक, यूपी में आलमगीरपुर तक, और उसके बाद मंदू जम्मू कश्मीर तक, और फिर डैमाबाद अहमदाबाद महाराष्ट्र तक, यहाँ तक हुआ करता था ये क्या तुम्हारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट सिटीज़ कौन कौन से? अभी देखो हड़प्पा, हड़प्पा में क्या है कि रवि नदी के किनारे था, इसमें 6 ग्रेनरीज थे, मदर गॉडेस फिगरिन, ठीक है। ग्रेनरीज थे, एरिया ऑफ सी ग्रेन, मदर गॉडेस फिगरिन थी, ठीक है। मोहनजोदारो ये कहा इंडस नदी के किनारे था, ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट बात, इमेज ऑफ पशुपति महादेव, इमेज ऑफ बियर्डेड मैन एंड ब्रॉन्ज इमेज ऑफ ए वुमेन डांसर, ठीक है। मोहनजोदारो में क्या हुआ था कि ये सब चीज़ें चेंज हुई थी, इमेज पशुपतिनाथ के, पशुपतिनाथ महादेव की फोटो थे, और बियर्डेड मैन और ब्रॉन्ज इमेज पाया गया था, ठीक है, इंडस वैली के सामने। तो लोथल, लोथल गुजरात में है, भूगोबा नदी के किनारे है, पोर्ट सिटी, डबल ब्यूरियल, टेराकोटा हॉर्स फिगर, टेराकोटा एक हॉर्स फिगर था, उसको वो पाया गई थी, ठीक है। चुनुदारो, चुनुदारो इंडस नदी किनारे थे, सिटी विदाउट सिटल, इसमें सिटाडल नहीं, सिटल था कि एलिवेटेड लाइन, ठीक है। धोलावीरा, धोलावीरा गुजरात में इंडस नदी किनारे है, इसको 3 पार्ट से बांटा गया है, ठीक है। कालीबंगन, कालीबंगन राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर मतलब यमुना के आसपास वाले, ठीक है, प्लावेट फील्ड है, ठीक है। बनावाली, बनावाली हरियाणा में, ये भी घग्गर है। राखी गिरी अभी जिस पर खुदाई चल रही, और ऊपर मिथाटाल, बुड़गंज, रंगूर, परसुरा, सुतगन गंदूर पाकिस्तान, फिर अरसुतागोर गुजरात, कोट दीजिए पाकिस्तान, ठीक है। अब टाउन प्लानिंग और स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले बात ग्रिड सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग, रेक्टेंगुलर हाउसेज विद ब्रिक लाइन बाथरूम एंड बिल्ट टुगेदर विद स्टेयर वे फाउंड यूज ऑफ बर्गलर। पहली चीज़ क्या है कि इसमें तुमको अंडरग्राउंड ड्रेनेज था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज था, और ग्रेड सिस्टम था, ग्रिड सिस्टम था, रेक्टेंगुलर हाउस था, और बर्न क्ले था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज था, फोर्टिफाइड सिटाडेल था। अब एग्रीकल्चर देखो, हिंडोन कॉटन मेजर ट्रेड, अर्लीस्ट पीपल टू इंट्रोड्यूस कॉटन, ठीक है। अब इसमें इसमें पहली बात इस प्रूफ ऑफ राइस था, मतलब इसे कॉटन इसमें मेल किया था, और राइस, व्हीट, बार्ली सब यूज करते थे, ठीक है। यूज ऑफ वुडन प्लाउस देयर, दे हैव नो आइडिया अबाउट आयरन इंप्लीमेंट, मतलब आयरन का यूज ये नहीं करते थे, ठीक है, याद रहे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ये देखो ऑक्स, बफेलो, गोट, सीप, पिग्स वेयर डोमेस्टिकेटेड, एसेज एंड कैमल्स वेयर ऑल्सो यूज एट बीस्ट ऑफ बर्डन, ठीक है। ऑक्स, बफेलो, गोट, सीप और पिग को उन्होंने पाला था, और एक्स और एसेज कोमल को भी था। एलिफेंट और राइनो वेल नोन थे। रिमेंस ऑफ हॉर्न फाउंड इन सुरकोटाडा एंड एविडेंस ऑफ हॉर्स इन मोहनजोदारो लोथल आल्सो फाउंड, मतलब हॉर्स के एविडेंस पाए गए हैं, बट ज़्यादा हॉर्स को ये यूज नहीं करते थे, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्राफ्ट देखो, ब्रॉन्ज मोस्टली यूज करते थे, ब्रॉन्ज मिलते कॉपर प्लस स्टील, स्टोन इंप्लीमेंट्स वेयर स्टील इन भॉग, पोटर व्हील्स वॉज फुल पुट इन फुल यूज, ब्रॉन्ज स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, बोट मेकिंग, ब्रिक लेन, इट इज वेयर ऑक्यूपेशन कॉमनली पावर। देखो ब्रॉन्ज का मोस्टली यूज होता था, स्टोन का यूज नहीं होता था। पोटर व्हील को हम यूज़ करते थे फुल यूज में, ब्रॉन्ज स्मिथ और गोल्ड स्मिथ, बोट मेकिंग, ये सब यूज करते थे, ठीक है। अभी देखो ट्रेड्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ट्रेड्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रेजेंस ऑफ ग्रेनरीज, वेट्स एंड मेजर्स, सील्स एंड यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट सिग्निफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड, द बार्टर सिस्टम वाज प्रीवेंटली लोथल पोर्ट सिटीज इफ कंडक्टिंग ट्रेड्स, ट्रेड सिस्टम अफगानिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया। देखो सबसे पहली बात यह है कि इसमें ना यूनिफॉर्म सिस्टम, यूनिफॉर्म वेट मैनेजमेंट का यूज़ किया, तो बार्टर सिस्टम ये यूज़ करता है, ठीक है। और लोथल और सोस्कांडार ये दोनों गुजरात में थे, और ये आपको मिली पोर्ट सिटी थे, ठीक है। ट्रेड इस नेशन कहाँ था, अफगानिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया तक जाते थे, ठीक है, ट्रेड ये लोग करते थे। कल्चरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या, कल्चरली होमोजेनिटी एजिप्ट थ्रू ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, नो टेंपल और रिलीजियस वेयर फाउंड, हड़प्पा वाज मोस्टली रूल्ड बाय द मर्चेंट क्लासेस, वीपन्स आर रेयरली फाउंड, ठीक है। देखो इसमें ये बात है कि ये लोग मोस्टली रिलीजन का यूज नहीं करते थे, ठीक है। वो छोटी छोटी मूर्तियाँ थी, बट वो लोगों के घर में थे, टेम्पल और मस्ती हुआ ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। कल्चरल होमोजेनिटा, ठीक है, कल्चरल होमोजेनि मतलब होमोजेनियस थे कल्चर इनका, ठीक है। रिलीजियस प्रैक्टिस, देखो टेराकोटा हॉर्स फिगर, ये हॉर्स का था, टेराकोटा फिगर ऑफ हॉर्स गॉड ऑफ मदर गॉडेस फालू एंड योनी वर्सिप, फालू और योनी को लोग वर्सिप पति करते, और पशुपति महादेव सील फाउंड विद द एलिफेंट, टाइगर, रेनो एंड बुल सराउंडिंग हिम विद टू डियर। देखो पशुपति महादेव का मंदिर जिसमें एलिफेंट, टाइगर, राइनो और एक बुल हुआ करता था, जिसके जिसके साथ साथ दो दो हिडन भी थे, ठीक है, नियर इज फीट, ये पशुपति महादेव यही है। अब ट्रीज एंड एनिमल्स, पीपल ट्री वर्सिप वॉज फाउंड, वन और ऑनिक ऑन नोन एज राइनो एंड हॉर्न बुल वॉज कॉमनली वर्सिप। देखो पहली बात पीपल ट्री और राइनोसेरस, राइनो और हॉर्न बुल का यूज करते थे, यूज ऑफ अमुलेट टू वार्ड ऑफ घोस्ट एंड इविल स्पिरिट, मतलब अमुलेट का यूज करते थे घोस्ट या पीपल को हटाने के लिए, भूत में विश्वास रखते थे। लाइन वॉज नॉन इट हैपन, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है कि लाइन को लाइन नहीं जाना गया था, ठीक है। हरपन स्क्रिप्ट, हरपन स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफी, स्क्रिप्ट कौन सा था, पिक्टोग्राफी मतलब पिक्चर रिलेटेड थे, जिसमें ज़्यादा नॉट डिसिफर्ड सो फार, दे आर रिकॉर्डेड ऑन सील एंड कॉन्टेंस ओनली फ्यू वर्ड, सील पर होते थे कुछ ही वर्ड होते थे, ठीक है। स्क्रिप्ट इज द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन इंडियन सब्जेक्ट, हरपन स्क्रिप्ट सबसे पुरानी स्क्रिप्ट, ठीक है। वेट एंड मेजर, स्टैंडर्ड मेजर का यूज करते थे, और मल्टीपल 16 के मल्टीपल यूज, स्टैंडर्ड तभी ट्रेड में पड़ चुके हैं, 16 का मल्टीपल था, ठीक है। वेल डेवलप्ड पॉटरी टेक्निक्स विद इलेबोरेटेड डिजाइन ऑफ ट्रीज एंड सर्किल, रेड वेयर पॉटरी पेंटेड विद ब्लैक डिजाइन, ठीक है। ये मोस्टली इसमें वेल डेवलप्ड पॉटरी का यूज करते थे, जिसके रेड वो था
रेड वियर था और इसमें ब्लैक डिजाइन होता था, ठीक है। अब ये देखो, सील ऑफ इंडस वाले सोया था, सील वाज यूज फॉर पर्पस ऑफ ट्रेड और वर्सी इवेंट्स ऑफ एनिमल्स बफेलो बुल टाइगर इट इज। देखो टाइगर पता था, लाइन था ही नहीं इस टाइम में, ठीक है, तो टाइगर होगा, ठीक है। मोस्टली सील जिसमें एनिमल के फोटो थे उसको लोग वर्सिप नहीं करते, ठीक है। स्टैचू ऑफ आईबीसी, ठीक है, आईबीसी का डिस्कवरी ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ ए नेकेड मैन एंड ए बियर्डेड मैन, सेटेलाइट स्टैचू, ठीक है। नेकेड मैन और बियर्डेड मैन हुआ करता था, टेरिकोटा फिगर ऑफ आईबीसी, ठीक है। टेरिकोटा क्या था, फायर बेक्ड अर्थन क्ले थे, इसमें मतलब मोस्टली हॉर्स के फोटो थे। यूज ए टॉयज और ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप, मैसिव स्टोन वर्क वी आर नॉट फाउंड इन हरप्पन हुई शोज द पुअरली डेवलप्ड आर्टिस्टिक वर्क मेड ऑफ स्टोन। पहली बार टेरिकोटा का यूज किए गए थे, फायर बेक्ड अर्थन क्ले इसमें यूज करते थे, टॉय या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप का यूज करते थे, और इसमें मैसिव स्टोन इसमें मतलब स्टोन वर्क ज़्यादा नहीं ये लोग करते थे, ठीक है, मोस्टली ब्रॉन्ज से ही काम चलाते थे, ठीक है। अभी तो ओरिजिन मेचोरिटी प्री हप्पन सेटलमेंट लोअर सिंध बलूचिस्तान, मतलब हरप्पन से पहले कहाँ कहाँ था, सिंध बलूचिस्तान और कालीबंगम में होता था। मैच्योर हरप्पा का तो 1900 से 2500 तक होता था। कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन डिक्रीजिंग फर्टिलिटी, फर्टिलिटी धीरे कम हुई, अर्थक्विक और सब्सिडीज मतलब पानी की वजह से ये हो गया, ये सब मीन से डिक्लाइन के रीजन, ठीक है। हरप्पन कल्चर डिस्ट्रॉयड बाई इन्वेडिंग आर्यंस, ठीक है, ये आर्यंस इनमें इन्वेड किया था इनके हिसाब से, ठीक है। पोस्ट अर्बन फेज में क्या था कि सब इंडस कल्चर प्राइमरी चालकोथिक, चालकोथिक मतलब क्या कॉपर रिलेटेड, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ आहार कल्चर, मालवा कल्चर एंड जोरवी कल्चर एट वेरियस फेज इन ऊपर, मतलब तीन कल्चर डेवलप हुई, आहार कल्चर, मालवा कल्चर, जोरवी कल्चर, ये सब हुए, ठीक है। आप आगे देखिए, अभी देखो अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक क्या था, 1500 से 1000 तक हुआ करते थे, 1500 से 1000 तक होता है। ऋग्वेदिक सोर्स ऑफ नंबर, ऋग्वेदिक द ओल्डेस्ट टेक्स्ट, ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ 1028 हाइमन डिवाइडेड इनटू 10 मंडल, मतलब 1028 हाइमन है और 10 मंडल है, ठीक है। इसको मोस्टली संस्कृत में यूज़ किए गए, ठीक है, मोस्टली संस्कृत में, और ये ओरल मेथड से करते थे। दो तरह का होता था, एक श्रुति एक स्मृति, श्रुति वो होता था जो सुना हुआ था, स्मृति वो है जो मेमोराइज है, ठीक है। बट लेटर देयर इज, अब इसी देखो, अब लैंग्वेज कौन सा ओरिजिनल लैंग्वेज आइडेंटिटी, आर्यंस वेयर डिवाइडेड बाय देयर कॉमन इंडो आर्यन लैंग्वेज, ठीक है। आर्यन कॉमन इंडो आर्यन यूरोपियन लैंग्वेज यूज करते थे। मैक्स मुलर ओपिनियन दैट देयर लिव्ड इन सेटलर्स, मैक्स मुलर ने यूरोपियन थ्योरी का आर्यन थ्योरी का डिस्कवरी किया था। उन्होंने ये बोला था कि वो सेंट्रल एशिया स्टेप्स से, सेंट्रल एशिया स्टेप्स से निकले हैं, जो कि उन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट को इन्वेड किया है, और कुछ खास नहीं। मेन ऑक्यूपेशन वे पास्टोरल, पास्टोरल मतलब क्या, भेड़ बकरा टाइप का, ठीक है। वाल एग्रीकल्चर रिमेंट एज ए सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी एग्रीकल्चर सेकेंड बेस्ट था, ठीक है, मोस्टली पास्टोरियल था, ठीक है। हॉर्स प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन पास्टोरियल, अच्छा जब भेड़ बकरी प्लान हो जाते उसमें हॉर्स इंपोर्टेंट था, ठीक है। डोमेस्टिकेटेड नियर द ब्लैक, टर्म आर्यन अपीयर्स इन ऋग्वेद 36 फॉर इंडिकेटिंग आर्यन एज ए कल्चर ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। ऋग्वेद में 26-36 बार इन्होंने यूज किया है। आर्यन अपीयर्ड इन इंडिया अराउंड 1500 BC एंड सेटल नियर ईस्टर्न अफगानिस्तान, NFPW सब जा, इसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश, मोस्टली लैंड ऑफ 7 रिवर्स, इसके बाद में इसको 5 हो गए इंडिया के लिए, ठीक है। ईस्टर्न अफगान ये सब रीजन में रहते थे, ठीक है। आर्यन केम टू कंप्लीट विद इंडिजिनस इनहेबिटेंट दस्यूज, इनके हिसाब से ना पहले जो वहाँ रहते थे उसका नाम था दस्यूज, जिसको फिर बाद में शूद्र बना दिया गया, और इस पर ना आर्यंस आया और उनको अटैक कर रहा, ठीक है। और आर्यन चीफ जो उन्होंने अटैक किया उसका नाम था तरसा दस्यु, फिर से बोल रहा हूँ, जो इंडिजिनस उसका नाम था दस्यु था, और जो उन्होंने अवर पायर कर उसको बोलते तरसा दस्यु, ठीक है। सप्त सिंधु मेंशन इन ऋग्वेद, सिंधु इज द रिवर ऑफ पार एक्सीलेंस, वाइल सरस्वती और नदी इज द बेस्ट रिवर, अच्छा मेस्ट मेस्ट मेन क्या है, सरस्वती को नादा नदी तराना, नदी तराना बोलते हैं, ठीक है। और सिंधु को क्या बोलते हैं, पार एक्सीलेंस, पार एक्सीलेंस वो हो गया, और सरस्वती का नदी तराना, ये देखो पुराने नाम। सिंधु को क्या बोलते हैं, इंडस, इंडस को सिंधु बोलते हैं, झेलम को वतिस्ता वितास्ता, चेनाब को असिकानी, रवि को परुसिनी, बीज को विपस और सतलज को सतुंदरी, ठीक है, ये सब मिलते हैं। फिर से बोला, इंडस को सिंधु, झेलम को वितास्ता, चेनाब को असिकानी, रवि को परुसिनी, परुसिनी बीज को विपास, सतलज को सतुंदरी, ठीक है। अब ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, दी एरियंस इंट्रोड्यूस चैरियट, चैरियट मतलब क्या था, घुड़सवार टाइप का, ठीक है। डिवाइडेड बाई हॉर्सेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन वेस्ट एशिया, दे वेर बेटर कपड विद आर्म्स, लीड टू द सक्सेस ऑफ कंक्लूज, इन्होंने क्या किया था, वो होता है ना रथ की इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। आर्यन को 5 ट्राइब था, जिसको बोलते हैं पंचजन, हु फॉट अमंग्स देम, जो आपस में ही लड़ते थे, पंचजन आपस में ही लड़ते थे, बैटल ऑफ टिंग 10 किंग और 10 राजन वार, इसको क्या कहते हैं, 5 आर्यन जो अभी ट्राइब थे ना, और 5 नॉन आर्यन ट्राइब, दोनों मिलकर भरत किंग सुदास के अगेंस्ट लड़ते थे, जिसमें भरत जीत गया, ठीक है। भरत किंग सुदास के भारत जीत गया, फिर बाद में उन्होंने पुरुष की मदद से क्या बना लिया, नया ट्राइब बना, इसका नाम था पुरुष, और वो अपर गंगेटिक प्लेन। फिर से बोला 5 आर्यन जो ये थे, और 5 नॉन आर्यन, दोनों मिलकर भरत के अगेंस्ट लड़ते हैं, जिसके हालांकि भरत ही जीत जाता है, फिर उन्होंने पुरुष के साथ मिलकर पुरुष बना लिया, ठीक है। अब मटेरियल लाइफ देखो, देयर सक्सेस इज अट्रिब्यूटेड टू द यूज ऑफ चैरियट, अगेन वही चीज़ है कि चैरियट का यूज किया, तो अच्छा एक मोटर चैरियट का यूज किया, तो मतलब क्या कि ये स्पॉक्ड व्हील का भी, स्पॉक्ड वाले व्हील का यूज करा, ठीक है। हॉर्सेज एंड बेटर आर्म्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज, ठीक है। दे हैड बेटर नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर व्हिच वाज यूज्ड मेनली टू प्रोड्यूस फोडर, एग्रीकल्चर नॉलेज था बट वो सिर्फ फोटो, क्योंकि घुड़सवारी तो वो हो गया, ठीक है। वार्स विल फोर्ड फॉर द सेक ऑफ काउ, काउ के लिए लड़ाई करते थे, जिसको बोलते हैं गविस्ती बोलते थे, गविस्ती मतलब क्या, काउ के लिए लड़ाई, कॉल्ड सर्च ऑफ काउ, द लैंड वाज नॉट इंपॉर्टेंट इन देयर, मतलब लैंड का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गाय का ज्यादा था, ठीक है। आर्यंस नेवर लिव्ड और सेटल इन सिटीज, ठीक है। असेंबलीज ऑफ द पीरियड, सभा, ट्राइबल पॉलिटी कौन कौन था, सभा, समिति, विधान, विधाता गण,
सभा समिति विधाता गण टू मोस्ट इंपॉर्टेंट असेंबलीज वेयर सभा एंड समिति, ठीक है, वोमेन अटेंडेंस इज सभा एंड विधाता, ठीक है, वोमेन सभा और विधाता अटेंड कर सकते थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन था, सभा और समिति थे, सभा और समिति थे मतलब सभा दोनों में कॉमन, ठीक है। बाली इनवॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन मेड बाई पीपल, बली हुआ था वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। द किंग डिज नॉट, किंग के पास कोई आर्मी नहीं थी बट जब इनको लड़ाई होता तो क्या करता है, ट्राइबल ग्रुप को बोलते जा लड़ उसको, और ट्राइबल ग्रुप कौन कौन से लड़ते थे, उनका नाम क्या, वर्थ गना ग्रामा श्रद्धा श्रद्धा, फिर से बोलो व्रत गाना ग्रामा श्रद्धा, ये लड़ते थे, ठीक है, किंग के लिए। इंपॉर्टेंट पोजीशन क्या है, ट्राइबल चीफ को राजन बोलते थे, किंग स्पीच हैज बिकम हेरिडिटी, जो कि हेरिडिटी था। पुरोहिता क्या था, हाई प्रिस्ट था, जिसको विश्वामित्र वशिष्ठ बोलते हैं, विश्वामित्र कंपोज गायत्री मंत्र, इलेक्शन ऑफ द किंग थ्रू समिति के वजह से समिति इलेक्शन के विषय करते थे और विश्वामित्र कंपोज गायत्री मंत्र, ये लोग गायत्री मंत्र करते, ठीक है। पुरोहित क्या होता, हाई प्रिस्ट होता था, ट्राइबल चीफ को राजन बोलते थे, सेनानी आर्मी चीफ होता था, जो कि स्पीयर एक्सेल वर्ड देते, इन्फॉर्मेशन ऑन ऑफिसर कलेक्टिंग टैक्स इज नॉट फाउंड, ठीक है, टैक्स कलेक्शन कोई था नहीं। व्रजपति, व्रजपति क्या था, इंजॉयड अथॉरिटी ओवर लार्ज लैंड, मतलब जमींदार टाइप का था, ठीक है। और ही हेड द हेड ऑफ फैमिली कॉल्ड कुलपाज, ही लीड द हेड ऑफ फैमिली को कुलपाज बोलते थे, और हेड ऑफ फाइटिंग हॉर्ड्स को क्या बोलते, ग्रामीण बोलते थे, टू बैटल, ठीक है। वृहस्पति क्या होता था, जो जमींदार का हेड, और ये कुलपाज और ग्रामीण दोनों को हेड करता था, ठीक है। ट्राइब एंड फैमिली, किनसिप ऑफ द बेसिक ऑप्शन, मतलब राजा को होता प्राइमरी लॉयल्टी वाज गिवन टू जन और ट्राइब, सबसे पहला किसका था, जन मतलब ट्राइब को ज़्यादा था, और जन 275 बार यूज किया गया, व्हिच इज अनदर टाइम फॉर द व्हिच मेंशन 170 टाइम, 170 बार ये किया गया, ठीक है। ग्राम स्मॉल टाइप, मतलब सम ग्राम इज द क्लास बिटवीन ग्राम, ग्राम स्मॉल यूनिट और सम ग्राम मतलब क्या होता है, गाँव के बीच में लड़ाई, ठीक है। कुला टर्म फॉर फैमिली रिलेटेड में, कुल मतलब क्या, फैमिली, और फैमिली को रिप्रेजेंट करते गृह था, ठीक है। अभी तो पैट्रियार्की सोसाइटी होते थे और बर्थ ऑफ सनी डिजायर, ठीक है, ताकि उनको वॉर लड़ाए, ठीक है। वुमेन कुड नॉट कुड अटेंड असेंबलीज, ऑफन सैक्रिफाइस एंड कंपोज हाई मंस, प्रैक्टिस ऑफ पॉलिएंड्री, मतलब एक से ज्यादा शादी कर सकते थे, वेयर फाउंड बट चाइल्ड मैरिज, बट चाइल्ड मैरिज नहीं होता था, ठीक है। सोशल डिवीजन, वर्ना वाज द टर्म यूज फॉर कलर, वर्ना कलर के लिए होता, और दासा और दस्यु, ये दोनों स्लेव्स और शूद्र, दासा मतलब स्लेव, दस्यु मतलब शूद्र। आरी वर्ण और दशा वर्ण, वर्ण वेयर मेंशन इन ऋग्वेद, ठीक है। फोर फोल्ड डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, कौन कौन से चाहते हैं, वॉरियर प्रिस्ट पीपुल शूद्र वेयर फाउंड बट दिस डिवीजन वर नॉट प्रिफर, मतलब ये थे बट ज़्यादा मतलब शार्प डिवीजन नहीं था, ठीक है। सोशल इक्विटी हैज स्टार्टेड टू अपीयर बट द सोसाइटी वाज स्टिल ट्राइबल एंड एग्रीकल्चर, मतलब सोशल इनइक्विटी है, बस सोसाइटी क्या था, ट्राइबल था और मोस्टली खेती करने वाला था, ठीक है। ऋग्वेद गॉड, नेचर गॉड थे, अट्रीब्यूट्स ऑफ वेरियस गॉड, देखो इंदिरा मतलब पुरंदरा 250 एम, अग्नि या फिर फायर गॉड 200 एम, वरुणा अकॉर्डिंग नेचुरल ऑर्डर, सोम गॉड ऑफ प्लैनेट, मारुति पर्सनल ऑफ स्टोर, मतलब जो मारुति मतलब क्या, हवा हवा देखने वाला, ठीक है। आदित्य एंड उषा फीमेल डिविनिटी रिप्रेजेंट बाय अपीयरेंस ऑफ डाउन, ये आदित्य और उषा क्या है, ये संध्या काल को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। डोमिनेट मोड ऑफ पर्सन, डोमिनेट मोड मोस्टली लोग कैसे करते थे, प्रेयर सेक्रीफाइस से करते थे, सेक्रीफाइस मतलब बलि, बट दी वर्शिप वॉज नॉट ए कंप्लाइंट बाई रिचुअल ऑफ सेक्रीफाइस, मतलब वर्शिप के बाद ये रिचुअल या फिर सेक्रीफाइस नहीं करते थे, ठीक है, मतलब उसे पहले करते थे। वर्शिप टुवर्ड्स फुलफिलिंग द मटेरियल एंड वेलबींग, ठीक है, ये दोनों के लिए ही थे मोस्टली, ठीक है।